हाय, सो वी आर रीडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैनमेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्लेनिशेबल होते हैं या नहीं होते हैं, इनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। देन हमने पढ़ा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इको फ्रेंडली होना क्यों ज़रूरी है। नाउ वील रीड अबाउट दिस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हम देखेंगे फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या है, वल्नरेबल रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, नॉर्मल एंडेंजर्ड, देन ये IUCN क्लासिफिकेशन, एशियाटिक चीता। विल ऑल्सो रीड अबाउट दिस अ फ्यू एक्सटिंक्ट रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड देन विल रीड अबाउट दिस कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड द हिमालयन ईयू इन ट्रबल, देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, राइनो, काजीरंगा पार्क, देन रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, घड़ियाल क्या होते हैं, कम्युनिटी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, चिपको, सेक्रेट ग्रूव्स, वाटर सेक्रेट ग्रूव्स, देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस टू। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो ज्योग्राफी काफ़ी वाइड रेंज होती है ज्योग्राफी की। अब ये जिस सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी है ना, दिस इज़ मोर अबाउट दिस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यू विल सी काफ़ी अच्छे इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिकॉज वी आर इन क्लास 10th लेवल, सो विल स्टिक विद क्लास 10th लेवल ओनली। सो लेट अस हैव अ रीड ऑफ दिस बुक। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगल में जो वाइल्ड लाइफ रहती है, जंगली जानवर, जंगली पौधे एट्सेट्रा, वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज। सो यहाँ पे बात है, दिस एक कॉन्वर्जेशन दिया है, लेट मी गैदर यू म्यूज़िक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर टू यू। ये जो है ये लेपचा फोक है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में रहते हैं। ये जो लेपचा है, दीज आर ट्राइबल पीपल, ये लेपचा ट्राइब है, इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड ऑल हिमालयस में ये मिलती है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अवर फॉरेस्ट। हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं एंड आप देखोगे बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं दे आर डीपली इंटीग्रेटेड विद दिस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वो वहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते हैं। सो दैट इज़ वाई वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, नॉट ओनली फॉर दीज एनिमल्स एंड ऑल बट बिकॉज ऑफ दीज पीपल ऑल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दीज फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग। हाउ मेनी पीपल आर देयर? ओवर 7 बिलियन पीपल आर देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है। ये जो 7 बिलियन है ये तो केवल ह्यूमन बींग है, इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स अलग हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी लाइफ होती है, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है। आंसर दिस, ये जो कोरोना वायरस है, दिस इज़ अ वायरस। वायरस लिविंग होता है या वायरस नॉन लिविंग होता है? सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, लाइकन, बनियान ट्री, एलिफेंट, ब्लू वेल। ब्लू वेल बिगेस्ट मैमल कहा जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब लिविंग बींग प्लैनेट अर्थ में रहती हैं। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। वी ह्यूमंस अलॉन्ग विद ऑल ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम हो जाता है। हम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे फूड वेब्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन कैसे होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। द पॉइंट इज़ ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स वेब हो जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम का। वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर अवर ओन एग्जिस्टेंस। तो फॉरेस्ट है, दैट इज़ वाई हम हैं इसलिए फॉरेस्ट नहीं है, ये वाइसी वर्सा नहीं है। देर इज़ अ फॉरेस्ट, दैट इज़ वाई वी एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक। सॉइल जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा फूड, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। फॉरेस्ट जो होते हैं ये एक की रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? सी, ये जो ग्रीन लीफी होते हैं फॉरेस्ट एंड ऑल वेजिटेबल्स एंड ऑल एवरीथिंग ग्रीन लीफी, इनमें होता है क्लोरोफिल और ये करते हैं दिस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो ये सोलर एनर्जी आती है ये उसको केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर ये फिर आगे हर्बीवोर्स में जाएगी, फिर कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो दे आर कॉल्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। प्राइमरी, इसी से सारी एनर्जी ये कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी फूड एंड ऑल में, और फिर वो पूरा ह्यूमन एंड अदर इकोलॉजिकल सिस्टम में ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, फूड चेन में आ रही है वो। सो बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या हो सकती है?
बायो मीन्स बायोलॉजिकल मतलब जीवित कुछ हो रहा है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के वहाँ पे अगर लाइफ है दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें भी सन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लास 9th NCERT हमने पढ़ा था सोलर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सोलर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है इस के बीच में, इक्वेटोरियल के बीच में। सो दैट इज़ वाई इक्वेटोरियल में जो सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट भी हैं और सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखो जितने बड़े फॉरेस्ट हैं ना, अमेजोन देखो, घाना देखो, इधर इंडोनेशिया एंड ऑल देखो, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको इक्वेटर के आसपास मिलते हैं। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। जबकि आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ की तरफ मूव करोगे या साउथ में पोल्स की तरफ मूव करोगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, मतलब विविधता नहीं रहेगी। सो क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटर डिपेंडेंसीज होती है हमारी। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, फौना मतलब होता है एनिमल्स। सो इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। आप देखो इफ़ यू आर फ्रॉम द सिक्किम, सिक्किम में अलग आपको फ्लोरा फौना मिलेगा। आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो यहाँ के पेड़ देखना वो इस टाइप के होते हैं, एडेप्टेशन हो गया है। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर थॉर्नी मिल जाएगा आपको, बिकॉज वाटर वहाँ पर डेफिशिएंसी है तो वेजिटेटिव एडेप्टेशन हो गया है। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया की ये स्ट्रेंथ है। हमने फिजिकल डिवीज़न देखा था इंडिया का, बहुत डाइवर्सिटी है, माउंटेन कैप्ड दिस स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं तो बीचेस भी हैं हमारे यहाँ, डेजर्ट है तो यहाँ रेन फॉरेस्ट टाइप भी कंडीशंस है। सो देर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी। This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. This is the problem of we humans. Hum har cheez ko for granted lete hain. This is not right. But lately they are under great stress mainly due to intensity in sensitivity to our environment. Now, कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंडिया में करीब 10% इंडिया का रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा है और 20% इसमें मैमल्स है, ऑफन थ्रेटेंड लिस्ट में है। थ्रेटेंड लिस्ट में कितने हैं? करीब 20% एंड 10% ऑफ दैट इज वाइल्ड फ्लोरा। मैनी ऑफ दीज वुड बी कैटेगराइज एज क्रिटिकल कहा गया है, मतलब उनकी स्थिति ठीक नहीं है। दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, जैसे कि चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट लाइक दिस मधुका इनसिग्निस, अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ दिस महुआ एंड द हम्बार्डिया हैपना हैप्टन न्यूरॉन, एक स्पीशीज ऑफ ग्रास है। ये कुछ स्पीशीज़ यहाँ पे दिया है जिनकी सिचुएशन इज़ नॉट राइट। चीता इनफैक्ट एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड हो गया है सिंस 1952। अभी हम इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं इंडिया में, कूनो एंड ऑल। सो इन नेवरा देवरी एंड ऑल, ओके, टेल मी द नेम, ये चीता कहाँ पे रीइंट्रोड्यूस होने का प्लान है। सो इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। टुडे वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल्स एंड प्लैनेट्स plants that have become extinct, but what about small animals like insects and plants? So ये तो कुछ बहुत important है। चीता अगर extinct हो रहा है तो सबको नज़र आएगा, but बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे animals and all है वो तो completely disappear हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। तो ये है फिर हमारा vanishing forest, forest ख़त्म हो रहा है। डायमेंशन ऑफ डीफॉरेस्टेशन बोलते हैं, फॉरेस्टेशन है उसका उल्टा हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। इंडिया में स्टैगरिंग है, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया कितना है, 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, 24.16% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। डेंस फॉरेस्ट करीब 12.2% है, ओपन फॉरेस्ट 9.4 है, मैनग्रूव 0.14 है। तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये 2015 की है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है, विल रीड दैट सेपरेटली। उसमें डेंस फॉरेस्ट कवर है वो करीब इतना दिखाया गया है सिंस 2013, इंक्रीज हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि अपेरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर, मैनेजमेंट, इंटरवेंशन, प्लांटेशन, दैट इज़ बाय डिफरेंट एजेंसी। ये सब तो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये है कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है ये साइलेंट होते जा रहे हैं। साइलेंट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इसमें वाइल्ड एनिमल्स नहीं है। सो ये जो फॉरेस्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी नहीं हो रही है। ये ग्रीन कैनोपी तो बढ़ गई है, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट?
देन लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. ये एक बॉडी होती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज. नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन का ये एक इंटरनेशनल यूनियन है. तो ये क्या करती है, ये क्लासिफाई कर देती है स्पीशीज एंड ऑल को कि ये थ्रेटन्ड है या नॉर्मल है या एंडेंजर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी स्थिति कैसी है. अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो क्रिटिकल एंड ऑल में भी पहुँच जाएगी. नाउ नॉर्मल स्पीशीज़ क्या होती है, जिसकी पॉपुलेशन है कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, मतलब दे आर सफिशियंट इन नंबर. इन हायर क्लासेस विल नो कि इनका एक क्राइटेरिया भी है, एंडेंजर्ड कब रखते हैं, कितने परसेंट स्पीशीज़ हुई है, कितने साल में कितना डिटीरियोरेशन हुआ है, विल सी दैट लेटर. तो ये नॉर्मल स्पीशीज़ हैं. फिर ये होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मतलब इनको खतरा आ रहा है. दीज आर स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. Survival of such species is difficult if the negative factor that have led to the decline in their population continue to operate. मतलब इनकी population decline हो गई है, but अगर ये continue रहा तो फिर इनका survival बहुत difficult हो जाएगा. जैसे कि कुछ example हैं, ये क्या है, black buck है, this is crocodile, this is Indian wild as गुजरात में मिलता है, Indian rhino, lion tail macaque है, this is संगई है, bro enter deer in Manipur. तो ये species इन्होंने यहाँ पे रखा है endangered species में. देन आता है वल्नरेबल स्पीशीज. वल्नरेबल स्पीशीज वो होती हैं पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इन टू द एंडेंजर्ड. तो मतलब एंडेंजर्ड के एक थोड़ा सा बेटर है इनकी पोजिशन. वल्नरेबल हैं बट ये अभी एंडेंजर्ड नहीं हुई है, थोड़ा सा इनका पोजिशन बेटर है. तो लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इन टू एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द न्यू फ्यूचर, मतलब प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू रही तो आफ्टर सम टाइम ये एंडेंजर हो जाएंगे, बट अभी एंडेंजर नहीं है, अभी ये केवल वल्नरेबल है. इफ़ द नेगेटिव फैक्टर कॉन्टिन्यू टू ऑपरेट, तो जैसे एग्जाम्पल्स क्या है, ब्लू शीप है, एशियाटिक एलिफेंट है और ये गैंगेटिक डॉल्फिन है. सो दीज आर वल्नरेबल. देन ये रेयर स्पीशीज़ हैं. स्पीशीज़ जो होती है स्मॉल पॉपुलेशन है, मे मूव इन टू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी अगर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कॉन्टिन्यू टू ऑपरेट. तो दीज आर रेयर स्पीशीज़, जैसे कि हिमालय का ब्राउन बियर, एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट की फॉक्स और दिस हॉर्नबिल. हॉर्नबिल एक फेस्टिवल होता है, काफ़ी फेमस है, टेल मी किस स्टेट में ये होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल. तो दीज आर रेयर स्पीशीज़. नाउ एंडेमिक स्पीशीज़ की बात करते हैं. ये स्पीशीज़ एंडेमिक का मतलब ही होता है कि वो एक पर्टिकुलर लोकल यहाँ पे मिलती है. दीज स्पीशीज़ विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, केवल एक ही एरिया में मिलती है, सब जगह नहीं मिलती है, ये एंडेमिक है, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर है. तो ये स्पीशीज़ कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज़. अब देखो एंडेमिक स्पीशीज़ वहाँ मिलेगी जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया है. फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार, देखिए ये थोड़ा आइसोलेशन में चला गया, इसके आसपास सब समुद्र है और थोड़ा ये मेनलैंड से डिस्टेंस पे भी है, तो यहाँ एंडेमिक स्पीशीज़ मिलेगी. अफ्रीका में ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर में काफ़ी एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती है. तो जैसे निकोबार पिजन हुआ, अंडमान वाइल्ड पिग हुआ, मिथुन कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है. सो दीज आर एंडेमिक स्पीशीज़. फिर एक होता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. एक्सटिंक्ट मतलब हो गई हैं दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरिया वेयर दे मे अकर. स्पीशीज़ में भी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ भी हो सकता है, मतलब इनका स्पीशीज़ ही नहीं बचा, दे आर लॉस्ट फॉर एवर. स्पीशीज़ जैसे कि एशियाटिक चीता पहले इंडिया में मिलता था, अब नहीं मिलता है. पिंक हेड डक भी यहाँ पर लिखा है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो. ये फास्टेस्ट लैंड मैमल कहा गया है चीता. ये एक यूनिक और स्पेशलाइज मेंबर है, ये किसका, कैट फैमिली का. ये कैट फैमिली होती है, ओके, एंड बिग कैट फैमिली भी होती है, पैंथरा इसका जॉनर होता है. तो इसमें जैसे टाइगर हुआ या फिर लायन हुआ या फिर आपका स्नो लैपर्ड हुआ, सो दिस इज़ बिग कैट फैमिली. देन ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलता है. Mistaken for a leopard? No, this is different. Distinguishing marks जो होते हैं वो long teardrop shaped lines में होते हैं. Each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. ये अभी अफ्रीका में काफ़ी दिखते हैं. Prior to the 20th century, चीता काफ़ी ज़्यादा distributed थे अफ्रीका एंड एशिया में. Today, Asian चीता is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey. This species has declared extinct in India long back in 1952. तो ये क्या हो गई है, ये extinct in
वाइल्ड हो गया है 1952 में। इसका अभी हम लोग काफ़ी प्लान कर रहे हैं री इंट्रोडक्शन का, और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वेशन भी आए थे कि सुप्रीम कोर्ट वॉज आर्ग्यूइंग कि हम इसको री इंट्रोड्यूस कर तो रहे हैं, बट वुड वी बी एबल टू स्पीशीज़ को वापस रीलोकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, रिवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ज्योग्राफी काफ़ी चेंज हो गई है फॉर दिस 50 ईयर्स। सो दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। NTCA एंड ऑल को, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का भी अभी बात चल रहा था। नाउ वॉट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। तो ये हो क्यों रहा है इतना डिप्लीशन, वाई इट इज़ हैपनिंग? इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इन टू अ रिसोर्स ऑप्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे कि वुड हम नेचर से लेते हैं, बार्क मतलब जो छिलके होते हैं, दिस बार्क, बार्क ऑफ दिस ट्री ये होता है, देन लीव्स है, रबर है, मेडिसिन है, डाइज है, वुड है, फूड है, फ्यूल है, फॉडर है, मैन्योर है। सो इट इज़ अवर सेल्व्स हु हैव डिप्लीटेड अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ग्रेटेस्ट डैमेज जो इन्फ्लिक्ट किया है इंडियन फॉरेस्ट में ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ दिस रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल और ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी। क्लास 9th हिस्ट्री हिस्ट्री में वंडरफुली एक्सप्लेन किया है कि ये कमर्शियलाइजेशन जो हुआ इससे क्या करते थे, साल और जो टीक थे ये काफ़ी मात्रा में इन्होंने टिम्बर एंड ऑल फॉरेस्ट के फॉरेस्ट इन्होंने डिफॉरेस्टेशन किए थे। सो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। 51 to 80 में क्या हुआ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, करीब 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया कन्वर्ट हो गया एग्रीकल्चरल लैंड में ऑल ओवर इंडिया। तो पहले वहाँ फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट उन्होंने क्लीन कर दिया, अब वो हो गया एक एग्रीकल्चरल लैंड। सब्सटेंशियल पार्ट इसमें जो ट्राइबल बेल्ट्स थे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, ये डिफॉरेस्टेटेड हो गए, डिग्रेडेड हो गए, बिकॉज ऑफ वाई दिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसको झूम कल्टिवेशन भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में होता है ये, स्लैश एंड बर्न। इसमें एक पैच ऑफ फॉरेस्ट लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, खेती करते हैं, सो दिस इज स्लैश एंड बर्न। और जब यहाँ पे आफ्टर सम ईयर दे मूव टू डिफरेंट फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे भी नया उन्होंने खेती का स्लैश एंड बर्न फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड झूम कल्टिवेशन। झूम कल्टिवेशन में भी ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। सम पीपल से अगर ये नेचुरली हो रहा है तो दिस इज़ गुड फॉर फॉरेस्ट, और सम से कि बिकॉज अगर ओवर हो रहा है इसका देन इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। सो आर कोलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड? येस, सम ऑफ अवर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से जो प्रमोशन हुआ है फ्यू फेवर्ड स्पीशीज का मैनी पार्ट ऑफ इंडिया में, हैज़ बीन कैरिड आउट आयरॉनिकली टर्म्ड एनरिचमेंट प्लांटेशन। मतलब इनको लगा, कोलोनाइजर को जो ब्रिटिश थे, इनको लगा टीक इज़ गुड, तो इन्होंने टीक का प्लांटेशन सब जगह कर दिया, साल इज़ गुड तो साल का प्लांटेशन कर दिया। तो इससे देवर सेइंग कि दे आर एनरिचिंग दिस प्लांटेशन, बट बायोडाइवर्सिटी से ये हो गया मोनोकल्चर में, एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ ट्री, पूरा फॉरेस्ट एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ ट्री से हो गया। तो वेयर इज़ द बायोडाइवर्सिटी? कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज वॉज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीशीज एलिमिनेट हो गई। फॉर एग्जाम्पल टीक का मोनोकल्चर हुआ, इससे नेचुरल फॉरेस्ट जो साउथ इंडिया का है और जो चिर पाइन प्लांटेशन है हिमालय में, ये रिप्लेस कर दिया दिस हिमालयन ऑक एंड रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को भी। तो टीक ने यहाँ साउथ का फॉरेस्ट रिप्लेस किया, और ये जो चिर पाइन प्लांटेशन था इसने हिमालय में हिमालयन आक और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को रिप्लेस कर दिया। तो बायोडाइवर्सिटी से मोनोकल्चर हो गया है यहाँ पे, विच इज़ नॉट गुड। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हुए कॉन्ट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। 1951 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो था क्लियर हुआ फॉर दिस रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये जब बांध बनते हैं ना, डैम्स बनते हैं, तो बहुत सारा पानी क्या होता है, डूब में चला जाता है, और वहाँ का पूरा फॉरेस्ट, ट्रीज, एवरीथिंग गेट लॉस्ट। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक, जैसे ये नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, काफ़ी डूब हो रहा है यहाँ पे। देन दूसरा एक रीज़न होता है माइनिंग। माइनिंग भी अगर ओपन कास्ट माइनिंग होती है तो वो पूरा फॉरेस्ट का फॉरेस्ट खराब हो जाता है वहाँ पे। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, ये सीरियसली थ्रेटन हुआ बिकॉज ऑफ दिस डोलोमाइट माइनिंग। ये डिस्टर्ब करता है नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज, ब्लॉक करता है माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर, इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन एलिफेंट, बिकॉज एलिफेंट्स भी हमने देखा था, दे लाइक टू मूव, इनको एक बड़ा टेरिटोरी चाहिए, और इनका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है हैबिटेट का। ये H1 H2 दोनों सेपरेट हो गए, एलिफेंट को इधर से इधर जाना है बट बीच में रेलवेज आ गई, देन वॉट एक्सीडेंट्स होते हैं फिर यहाँ पे। सिमिलरली टाइगर्स एंड ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट।
अब मैनी फॉरेस्टर्स और एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर है बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो है ग्रेजिंग। जो ये वाइल्ड स्टॉक, ये जो डोमेस्टिक स्टॉक्स होते हैं इनको ग्रेजिंग कराते हैं और जो फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए ले जाते हैं दिस ट्राइबल्स एंड ऑल, कई लोग बोलते हैं कि ये इससे भी फॉरेस्ट डिग्रेड होता है। दो देयर मे बी सम सब्सटेंस इन देयर आर्गूमेंट बट द फैक्ट रिमेन्स द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर डिमांड इज मेट बाय लोपिंग रादर देन बाय फेलिंग एंटायर ट्री। तो ये जो होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये पूरा ट्री नहीं गिरा रहे, ये ट्री की टहनियाँ एंड ऑल जो गिर जाती है ये उससे अपना फ्यूल डिमांड पूरा कर रहे हैं। सो इट वुड बी रॉन्ग टू ब्लेम देम फॉर दिस डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिपोजिटरीज होता है सम कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जैसे कि मिनरल्स हुए, रिसोर्सेज हुए, इससे हमारी डिमांड रैपिडली मीट होती है। रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी के लिए दे आर रिक्वायर्ड। दीज प्रोटेक्टेड एरिया दस मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कुछ लोगों जैसे हम आगे पढ़ेंगे ये सेक्रेट ग्रुप्स मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू सिस्टम इसमें अटैच होता है, और फॉर सम पीपल दे आर जस्ट अनदर रिसोर्सेज। तो इससे क्या होता है, क्लैश होता है। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो विल गेट टू नो कि जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए हैं वो उनका बेसिस यही था कि जो ये फॉरेनर्स थे ये उनके ट्राइबल रिसोर्सेज पे एनक्रोच करते थे और जो ट्राइब था, नेचर था, ये इसको वर्शिप करते थे लाइक मदर एंड ऑल। सो इससे क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था दोनों के बीच में। ये है हिमालयन यू इन ट्रबल, ये हिमालयन यू है, दिस इज टेक्सस। सो इट्स अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसका केमिकल कंपाउंड है, दिस इज अ टेक्सोल। सो ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम बार्क, निडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री से, और इट हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर के लिए इसका यूटिलिटी आया है। द ड्रग इज़ नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। द स्पीशीज अंडर ग्रेट थ्रेट है बिकॉज अब क्या हो रहा है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सो इन द लास्ट वन डेकेड थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल एंड अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज अगेन वन ऑफ बिग प्रॉब्लम। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, हंटिंग होती है, पोचिंग एंड ऑल होता है, पोचिंग हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट ट्रीज, फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे कॉमन है। अभी हमने पेपर में देखा था कि पोचिंग काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज पुलिस इज़ बिजी इन अदर दिस प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दिस COVID-19। तो पोचर्स इसका फ़ायदा उठा के दे आर किलिंग एनिमल्स एंड ऑल। फिर थोड़े टाइम पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जैसे आ गई थी, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में फायर लग रही है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत लॉस होता है। इंडिया में भी काफ़ी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के हैं, जैसे अनइक्वल एक्सेस है, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट इक्वली शेयर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने इधर भी देखा था, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड ऑल होते हैं, इसमें ये होता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना ये डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी होती है। आप एक स्मॉल ट्राइबल एंड इन लोगों से जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट। जो फाइनेंशियल पावर एंड ऑल होता है यू दैट हैज़ टू बी कम फ्रॉम दिस वेल ऑफ पीपल। सो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी पे इंडिया हमेशा एम्फेसाइज करता है वर्ल्ड में जितनी भी मीट्स होती है इसकी। कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन है, बट वो डिफ्रेंशिएटेड भी होगी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ज़्यादा फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एवरेज में अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन। सिमिलरली रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम। सो ये प्रॉब्लम है, ये जो है ये इनइक्वल है, सम पीपल ओवर कर रहे हैं। सी 40 टाइम्स ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है देन एन एवरेज सोमालियन। इंडिया में 5% लोग ही सारा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के पास कुछ बचता नहीं है। यहाँ पे जैसे ट्राइबल गर्ल्स हैं ये बैम्बू सैम्पलिंग्स कर रहे हैं इन नर्सरी एट दिस साइलेंट वैली। वेयर इज़ दिस साइलेंट वैली नाउ? ट्राइबल वुमेन सेलिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये MFP होता है, लीफ लिटर कलेक्टेड बाय दिस वुमेन फॉक। सो द आइडिया इज दीज पीपल आर नॉट कॉजिंग एनी डैमेज टू एनवायरनमेंट। जो डैमेज हो रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉलिसीज ऑफ दिस सेलेक्ट फ्यू, नॉट द दीज, बिकॉज दे आर लिविंग इन हारमनी विद दिस फॉरेस्ट। देन
जो नेक्स्ट है पेज, यहाँ लिखा है पुअरेस्ट 25% दे कुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फार्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग. सो क्वेश्चन आता है हु इज कंज्यूमिंग वॉट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच. कंजम्पशन कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, फ्रॉम वेयर कर रहा है एंड हाउ मच कंजम्पशन इज हैपनिंग. Now, do you know over half of India's natural forests are gone, 1/3 of its wetland drained out, 70% water जो surface है वो polluted हो चुका है, 40% mangrove wiped out हो गए हैं with continued hunting and trade of wild animals. Commercially valuable plants हैं, thousands of plants and animal species are heading towards this extinction. तो this is the problem. Now, the destruction of forest and wildlife है ये biological ही issue नहीं है. Biological loss is strongly correlated with the loss of कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है. सच लॉसेज हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्पोवरिश्ड मैनी इंडिजिनस एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी. हम देखेंगे इन हायर क्लासेस की ये जो पूरी कम्युनिटी है दैट इज़ अगेन इम्पोवरिशमेंट और स्टारवेशन आ रहा है बिकॉज इनको ये फॉरेस्ट राइट्स डिनाई हो गए हैं. हु डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फॉर फूड ड्रिंक मेडिसिन कल्चर स्पिरिचुअलिटी. विद इन द पुअर वुमेन ज़्यादा अफेक्टेड होती है देन मैन. इन मैनी सोसाइटीज वुमेन बियर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉडर वाटर, ये जो बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स हैं. एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड द ड्रजरी ऑफ वुमेन इंक्रीजेज एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज. तो अगेन चैलेंजेस राइज हो जाते हैं. दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर वुमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड आवर ऑफ वर्क विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशन. तो इनको फाइनेंशियल लॉसेज भी हो रहे हैं, चिल्ड्रन एंड ऑल का भी स्ट्रगल हो रहा है एंड देन दिस कल्चरल एंड एवरीथिंग दैट इज नॉट गोइंग वेल. सो द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट है, डिफॉरेस्टेशन है, फ्लड्स आ गए, ये अगेन पुअर जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हार्ड हिट होता है. सो पॉवर्टी इन दीज केसेज इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो दैट इज़ वाई जितनी भी हम एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाते हैं वी ट्राई टू कीप दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन माइंड बिकॉज ये वर्स्ट हिट होते हैं. पॉवर्टी इन दीज केसेज इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल दिस डिस्ट्रक्शन. अभी COVID-19 का इतना स्प्रेड हुआ, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट इमेजिन एंड हु इज़ पेइंग द प्राइस. Therefore, the forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. It is imperative to adapt to sound forest and wildlife conservation strategy. ये बहुत बहुत essential हो जाता है हमारा. Conservation of forest and wildlife India में क्यों ज़रूरी है? Conservation in the background of rapidly declining wildlife population, ये essential हो गया है. But why do we need to conserve our forest and wildlife? The reason is, कंजर्वेशन प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सपोर्ट करता है हमारे सिस्टम को, वाटर एयर एंड सॉइल एट्सेट्रा. ये जो COVID-19 है ना, ये कोरोना वायरस फैमिली है. ये कोरोना वायरस फैमिली जूनोटिक डिसीजेज हैं. तो जो फॉरेस्ट है ना, इन्होंने हमेशा से बैट्स एंड ऑल कई सारी डिसीजेज वायरसेस इन सबको होल्ड करके रखा हुआ है रिजर्वॉयर. हमने इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये जो प्रोटेक्शन था ये भी डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ दीज डिसीजेज आर कमिंग आउट एंड स्टार्टेड इम्पैक्टिंग अस. सो अगेन दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी होती है. फिशरीज बहुत डिपेंडेंट होती है. एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड. 60-70 के दशक में कंजर्वेशनिस्ट डिमांड करते थे नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में. ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट बचानी है. ऑल इंडिया लिस्ट होगी प्रोटेक्टेड स्पीशीज का जिसको पब्लिश करें. थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम था कि प्रोटेक्ट करें रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग बंद करें, लीगल प्रोटेक्शन दे, हैबिटेट बचाए और रिस्ट्रिक्ट करें ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. नाउ सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एस्टेब्लिश किए ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. ये डिपेंड होता है कि कितना लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच आर ग्रेवली थ्रेटन, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर का स्टैग जिसको हंगुल भी बोलते हैं, 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है या फिर घड़ियाल भी है, एशियाटिक लायन है एंड अदर. मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट ब्लैक बक जिसको चिंकारा बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दिस इज गोडावन एंड द स्नो लेपर्ड आर ऑल्सो बीन देयर. इनको भी कुछ हद तक हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है. नाउ
प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। टाइगर वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है फॉनल वेब में। 1973 में अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया टाइगर पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो गई है। एक टाइम था इंडिया में 1414 टाइगर्स वर ओनली लेफ्ट। अभी रिसेंटली जो टाइगर सेंसस हुआ है उसमें ये 2900 समथिंग टाइगर्स हो गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बट इसमें बहुत एफर्ट्स भी लगे हैं हमारे। एस्टिमेटेड इतना टर्न ऑफ सेंचुरी था। अगेन क्लास 9th हिस्ट्री हमने देखा था ना, देवर सम जनरल्स थे ब्रिटिश कॉलोनी के, देवर हंटिंग 300 टाइगर पर पर्सन। एक पर्सन वॉज किलिंग अराउंड 300 टाइगर। ट्रॉफी हंटिंग हो रही थी वहाँ पे। मेजर थ्रेट्स थे टाइगर पॉपुलेशन के न्यूमरस हैं, जैसे पोचिंग होती है, श्रिंकिंग हैबिटेट हो रही है, इनका जो प्रे बेस है जिसका ये शिकार करते हैं वो ही नहीं बच रहा है, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन हो रही है। ट्रेड होता है टाइगर की स्किन की डिमांड होती है, इनकी बोन्स की डिमांड होती है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिक्वायरमेंट होती है, देन एस्पेशली इन द एशियन कंट्री टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर की भी बहुत सारी सब स्पीशीज़ भी होती है इसके, जैसे इंडिया में मोस्टली मिलता है दैट मोस्टली रॉयल बंगाल टाइगर होता है, रॉयल बंगाल टाइगर। ऊपर हम नॉर्थ में देखें तो यहाँ पे साइबेरियन टाइगर भी होता है, देन सुमात्रा टाइगर्स एंड ऑल भी है, इंडोनेशियन। सो सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट एट अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये दोनों नेशन प्राइम टारगेट होते हैं पोचिंग का और इलीगल ट्रेड का। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया, वेल प्रैक्टिस्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन था, 1973 में आया। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मीन ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। सो दैट इज़ वाई इसको हम क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीशीज। देखिए ये जब हमने अभी इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ा ना तो उसमें ये आर्क आता है, आर्क में ये की स्टोन होता है, ये की स्टोन रेस्पॉन्सिबल होता है होल्डिंग ऑफ दिस एंटायर आर्क। तो सिमिलरली जो टाइगर है वो भी रेस्पॉन्सिबल है होल्डिंग अप दिस एंटायर इकोसिस्टम। आप एक टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, आप मतलब पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज। नाउ फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में है। मानस कहाँ है, असम में है। पेरियार कहाँ है, केरला में है। तो धीरे धीरे इस तरह करके हमने काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स बनाना चालू किया। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन अ फ्यू ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। तो अब हम क्या हो रहा है कि हम अगेन सेव द बायोडाइवर्सिटी, सारी स्पीशीज इक्वली इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ सस्टेनेबल बायोलॉजिकल वर्क। सो देर इज़ नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च इन फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर। इंक्रीजिंगली इंसेक्ट बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। फिर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। वाई? बिकॉज अब हमने समझ लिया है एक ही स्पीशीज नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी स्पीशीज चाहिए, सारी स्पीशीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज में रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 स्पीशीज होती है, इसमें डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन लेवल उन्हें मिला है। फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। सो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं, इसके लिए कंजर्व करना हमें ज़रूरी है, रेगुलेट करते हैं। इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन्होंने क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है। हम हर चीज़ क्लासिफाई करते हैं ना, इकोनॉमी में क्लासिफाई किया हमने प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट एंड पब्लिक। यहाँ हमने क्लासिफाई कर दिया फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लाइक दैट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ये करीब हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट है, डिक्लेयर कर दिया ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट को। ये मोस्ट वैल्यूएबल है कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। इसमें और भी कंडीशंस होती है, विल सी दैट लेटर। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या हुआ, 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, आगे डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, और ये तो रिजर्व हो गया, इसको प्रोटेक्ट करें। देन ये था अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स है जिसको क्लासिफाई नहीं किया है। दीज आर घरियाल, ये घरियाल ऑन द ब्रिंक, ये जो घरियाल होते हैं ना इनका ऐसा स्नाउट होता है, ये इस टाइप का स्नाउट होता है, तो घड़े जैसा होता है ना इसलिए इसको घड़ियाल बोल देते हैं। ये घड़ियाल जैसे चंबल रिवर एंड ऑल में काफ़ी मिलते हैं ये। ओके, सो दीज आर घड़ियाल, ये ऐसे स्नाउट होता है घड़े जैसा, दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं घड़ियाल। इनका पॉपुलेशन भी काफ़ी कम हुआ है। ये बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना एंड ऑल। ओके, सो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यूज़ होते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स हैं, पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग
टिम्बर बहुत मिलता है, लकड़ी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन। मध्य प्रदेश जो है इसके पास लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में भी काफ़ी रिजर्व फॉरेस्ट है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान में बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में पार्ट ऑफ गुजरात में भी वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट है मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कंजर्वेशन स्ट्रेटजी होती है आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ट्रेडिशनल कम्युनिटी। लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, उनका घर है, जंगली उनका घर है। सो इन सम एरियाज लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकोगनाइजिंग दैट दे विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजेस में हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो दैट इज़ वाई ये जो कम्युनिटी होती है ना, जब हमें फीलिंग आ जाती है कि ये हमारा घर है तो फिर हम उसको प्रोटेक्ट करना चालू कर देते हैं। इन मैनी एरियाज विलेजेस themselves are protecting habitat, explicitly reject कर रहे हैं government का employment को। This is again very active thing, proactive involvement हो रहा है। Especially inhabitant जो 5 villages हैं अलवर district राजस्थान में, इन्होंने 1200 hectare जो forest है ना भैरोदेव डाकव सेंचुरी में, इसको declare कर दिया है their own set of rules and regulations। दे डू नॉट अलाउ हंटिंग, अलाउ नहीं करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। इससे आता है सैक्रेड ग्रूव्स और वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। ये नेचर वर्शिप करते हैं, जैसे IVC थी ना, ये भी नेचर वर्शिप करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है, प्रिमाइस है, ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। सच बिलीफ्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म, जिनको बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। सो दीज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट जो है, ये लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड है, इसको अनटच रखा है इन्होंने फॉर सेंचुरीज। लोकल पीपल इसको गार्ड करते हैं, डिफेंड करते हैं। सर्टन सोसाइटी रिवर अ पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जैसे कि द मुंडाज हैं, सांथल हैं, छोटा नागपुर रीजन के हैं, ये वर्शिप करते हैं महुआ के ट्री को और कदम्ब के ट्री को। एंड द ट्राइबल्स जो ओडिशा के हैं, बिहार के हैं, ये वर्शिप करते हैं इस टैमरिन को, मैंगो को वर्शिप करते हैं ड्यूरिंग वेडिंग। सो दैट इज़ हाउ इनका कल्चरल बिलीफ भी आ गए हैं इन ट्रीज में। पीपल बनियान ट्री को भी काफ़ी सेक्रेड माना जाता है। इंडियन सोसाइटी में कॉम्प्राइज होता है सेवरल कल्चर विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। जो सेक्रेड क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि स्प्रिंग, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सबको आपको प्रोटेक्ट करना है। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ दिस मकाक एंड लंगूर अराउंड मैनी टेम्पल, यहाँ मंदिरों में अक्सर दिख जाते हैं और इनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिला होता है। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटी। राजस्थान में ही एक बिश्नोई विलेज होता है, बिश्नोई विलेज, ये ब्लैक बक को काफ़ी प्रोटेक्ट करने में अपना काफ़ी एफर्ट डालता है। नीलगाय, पिकॉक, इन सबको इंटीग्रल पार्ट मानता है कम्युनिटी का और इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, ऐसा इनका मान्यता है वहाँ पे। एक चिपको मूवमेंट बहुत फेमस था हिमालयस, सक्सेसफुली रेजिस्ट किया डिफॉरेस्टेशन को एंड शोन किया कि कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनस स्पीशीज आर इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड ऑफ डेवलपिंग न्यू मेथड्स इकोलॉजिकल फार्मिंग, ये वाइड स्प्रेड है। ट्रेडिशनल होना है, इंडिजीनस होना है, लोकलाइजेशन करना है, दीज आर वेरी गुड थिंग्स। फार्मर्स और सिटीजन्स ग्रुप जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन, ये कहाँ पे तहरी एंड दिस नवदन्य दैट शो द एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। ये अगेन ग्रीन रिवॉल्यूशन में वी रेड कि क्रॉप भी क्या होता है, मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए कि वीट ही वीट हो रहा है या फिर से राइस ही राइस हो रहा है। नो, देयर हैज़ टू बी डाइवर्सिटी, पल्सेज होनी चाहिए, मिलेट्स होनी चाहिए, अभी पंजाब में कॉटन काफ़ी ज़्यादा लगा रहे हैं वो। सो क्रॉप कल्टिवेशन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, फर्निश गुड एग्जाम्पल करता है लोकल कम्युनिटी, जॉइंटली कर रहे हैं ना फॉरेस्ट का जॉइंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं रीस्टोरेशन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को ठीक करने के लिए। प्रोग्राम फॉर्मल एग्जिस्टेंस 1988 में आया था, कहाँ आया था, ओडिशा में आया था। फर्स्ट रिजोल्यूशन था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। JFM में डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दिस लोकल लोकल विलेज बनाते हैं, अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी डिग्रेडेड फॉरेस्ट का, लैंड मैनेज्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना, वन विभाग, और ये वहाँ के विलेजर्स हैं, ये दोनों हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं ये जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है इसको हम वापस रिवाइव करेंगे, दैट इज़ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी को इंटरमीडियरी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे नॉन टिम्बर माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल जाते हैं, जैसे कि पत्ते लकड़ियाँ वगैरह उठा सकते हैं, हनी प्रोडक्ट्स एंड ऑल ले सकते हैं ये, एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन. क्लियर लेसन्स है डायनमिक्स ऑफ बोथ एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटी एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व. गांधी जी ने क्या बोला था, डिसेंट्रलाइज करो. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो हर चीज़ का सेंट्रलाइजेशन होने लग गया. इन्होंने हाई कोर्ट ऑफ दिस बंगाल को पावरफुल बना दिया, दिस मुंबई और चेन्नई को सबॉर्डिनेट बना दिया, एवरीथिंग सेंट्रलाइजेशन. जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, देन दे रियलाइज कि नो, डिसेंट्रलाइजेशन करना है. फिर 1935 के एक्ट तक आप देखना, हर काउंसिल एक्ट देखो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखो, हर एक में ये डीरेगुलेशन डीसेंट्रलाइजेशन करते जाएंगे. तो दैट इज़ वाई गांधी जी ने भी बोला था आर्टिकल 40 विलेज जो होता है ये यूनिट लेवल ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो दैट इज़ वाई डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट. हर किसी को स्टेक होल्डर आप बना दो, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए और इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग भी होनी चाहिए. देन बुद्धा जी ने कहा है, गौतम बुद्धा ने कहा है यहाँ पे, द ट्री इज़ अ पिक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस, बेनोवोलेंस है, एंड देयर मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस. कुछ डिमांड नहीं है, ओनली गिविंग अवे. एक्सटेंड्स जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी. ये अफोर्ड करता है प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स, ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड. जो उसको कुल्हाड़ी लेके काटने आ रहा है, ये उसको भी शेड प्रोवाइड कर रहा है, शेड प्रोवाइड कर रहा है ये ट्री. दिस इज़ द जनरोसिटी ऑफ ट्री, दिस इज़ द जनरोसिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट. तो इस ऐसे फॉरेस्ट को हम कैसे डिस्ट्रॉय होने दें, दिस इज़ द क्वेश्चन जो गौतम बुद्धा ने यहाँ पे कहा है. देन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. क्वेश्चंस में हम देखते हैं, अभी हम काफ़ी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. जो नॉट जो होता है ना, नॉट जो होता है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अक्सर हमसे यहाँ सिली मिस्टेक होती है. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर डिप्लीशन. सो ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन को हम बोल सकते हैं नहीं है, ये तो है रीज़न, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न. सो दिस इज़ द राइट आंसर. देन कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. देन डीमार्केटेशन ऑफ दिस जॉइंट चिपको बीच बचाव में तो ज़रूरत पड़ेगा. ट्राई टू सॉल्व दिस ब्लैक बक, एशियाटिक अंडमान, IUCN की लिस्ट हम अगेन देखेंगे. Endangered, critically endangered, this vulnerable, everything, we'll see this later. Reserve forest क्या होता है, protected forest क्या होता है और unclassed forest क्या होता है. Answer 30 words में, 30 words मतलब 30 words, means में you would see 200 words लिखा होता है, 250 words लिखा होता है. So you have to be, brevity होना बहुत ज़रूरी है, to the point रहिए. गागर में सागर होना चाहिए, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बोलिए. What is biodiversity? Why is biodiversity important for human lives? How many human activities affected at the depletion of flora and fauna? Explain करिए. Then 120 words में बताइए. Communities have conserved and protected forest and wildlife in India. एक note लिखिए conservation, forest and wildlife पे. Okay? So try to do this exercise. Now, in this chapter we read about this very very important lines जो गौतम बुद्धा ने कही है. देन हमने पढ़ा ये चिपको, बीज बचाओ, दिस नवदन्य, सेक्रेट ग्रूव्स क्या होते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी एंड ऑल क्या कर रहे हैं, बिहार में ये किनको वर्शिप करते हैं. ओके, देन हमने पढ़ा अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये होता है घड़ियाल, और जो क्रोकोडाइल होता है दैट इज़ डिफरेंट, ये घड़ियाल है. देन दिस इज प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट. ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट होता है. वॉट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर, ये राइनोसोरस है. इंडिया में ये वन हॉर्न राइनोसोरस होता है. ओके, वन हॉर्न राइनोसोरस. देन ये काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनो एंड डियर्स हैं, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, 73 में आया था. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया है. दिस इज़ ये फॉरेस्ट की ट्राइबल कम्युनिटी है. इट इज़ रॉन्ग टू ब्लेम देम फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, इनके कारण नहीं है. ये हिमालयन यू है, टैक्सॉल मतलब कैंसर में ये यूज़ होती है मेडिसिन. ये कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी को ब्लेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, येस. देन ये अलग अलग स्केल्स में दिया हुआ है डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं. देन दिस इज़ द अलग अलग स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, एक्सटिंक्ट रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़. देन ये स्लैश एंड बर्न टेक्टिक भी होती है. फॉरेस्ट फायर इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम. ये एशियाटिक चीता है. ओके, एक्सटिंक्ट, एंडेमिक, रेयर, ये कुछ क्लासिफिकेशन है. ये वैनिशिंग फॉरेस्ट है. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसका लेटेस्ट रिपोर्ट, विल डिस्कस इट. ओके, देन बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, फ्लोरा एंड फोना क्यों ज़रूरी है. सो दिस इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. सो वी हैव रेड अबाउट दिस रिसोर्सेज
एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिस वाटर रिसोर्सेज. एनसीईआरटीज जो ज्योग्राफी की है दे आर रियली रियली, ऑल एनसीईआरटीज आर इनफैक्ट वेरी वेरी नाइस. सो बी रेगुलर, इट विल हेल्प यू अलॉट, बहुत हेल्प होगा इससे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.